ऑक्सीजन पार्क बना पर्यावरण रक्षा का संदेश। कानपुर इनरव्हील क्लब ऑफ एंजल ने सोमवार को ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उदिता शर्मा ने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन के महत्व और उसकी जरूरत वर्तमान में अधिक है, इसलिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया, साथ ही लोगों को तुलसी का पौधा लगाने का प्रेरित किया गया। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए कार्य प्रारंभ होने की जानकारी दी। ललिता जैन पूर्व प्रेसिडेंट, कुसुम अग्रवाल प्रेसिडेंट, पूनम गुप्ता सचिव, सीमा गुप्ता, डॉक्टर सुनीता आदि उपस्थित रहे। बहुत अच्छा लग रहा है कि लॉकडाउन में भी हम कितने प्रयास करके एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा लगा था कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन रुका नहीं है और कोरोना जल्दी जाएगा नहीं, ऐसा मशीन थी कि हम रुके रहेंगे। जिंदगी का नाम है चलते रहना, चलते रहेंगे प्रिकॉशंस के साथ, बिल्कुल भी मास्क ना उतारें, सैनिटाइजर जरूर करें, घर जाए तो स्टीम जरूर लें। बाहर आप आए हैं घर जाके केवल एक काम करिए, स्टीम लेना, क्योंकि कोरोना आपकी नाक के थ्रू जाता है, वहाँ तक कोई हार्मफुल नहीं है। जब ट्रैवल करके आके लंग्स तक पहुँचता है तब आपको नुकसान पहुँचता है। बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, चेन्नई न्यूज़ तो इतनी घबराहट होती है, इतने केसेस डेली, आज भी ये हो गया वो हो गया, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। ये तो एक ऐसी विपत्ति आई है पूरे विश्व के ऊपर, हम लोग को सब मिलकर इसको फेस करना है। बिल्कुल लगा था कि लॉकडाउन में कैसे काम कर पाएगा इनर्जी, लेकिन कहते हैं ना कि कभी हर का एक वैल्यू होता है, वो नहीं कर पा रहे हैं तो हर साल होता है, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है जो हर साल होता था। आप मन में आप भी बहुत डरमान रहे होंगे कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, हमें रिवर्स में चल रहे हैं। फर्स्ट सिक्स मंथ हम प्रोजेक्ट करेंगे और लास्ट सिक्स मंथ में हम लोग वो सब करेंगे जो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल करना, बिल्कुल होगा, जो भी होगा, जितना भी टाइम हमें मिलेगा, वैक्सीन आ जाती है, डर खत्म होता है, तो हम सब वो कर पाएंगे जो हमारे सपने थे, सब पूरे करेंगे। अभी हमने जुलाई से स्टार्ट किया, जुलाई में हमने ऑक्सीजन पार्क किया, कुछ क्लब्स ने इनरव्हील फॉरेस्ट लगाया, अभी तक प्लांट्स जो लगते थे बहुत कम लगते थे, इसमें तो मास स्केल पे प्लांट्स लगे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक क्लब के एक एक मेंबर ने ऑक्सीजन पार्क लगाया, और एक ऑक्सीजन पार्क का मतलब है 6 फीट बाई 6 फीट का एरिया जिसमें तुलसी लगवाई। अब तुलसी ही क्यों चुना गया ऑक्सीजन पार्क के लिए? तुलसी वैसे तो बहुत मान्यता है हमारी हिंदू माइथोलॉजी में, बहुत पवित्र स्थान रखते हैं, मेडिसिनल यूज़ भी सब जानते ही हैं कि हम काढ़े में भी तुलसी लेते हैं, चाय में भी डालते हैं या तुलसी खाते भी हैं। अपनी नानी और दादी को याद करिए तो तुलसी अदरक और शहद का रस चटाया जाता था, गला खराब होता था। अब सिर्फ वही चीज़ें लौट के आई हैं, हम सारी अपनी पुरानी मान्यताओं को याद करें। तुलसी का एक और बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी जो एयर पॉल्यूशन है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो हमारी सारी चीज़ें हमारी तुलसी माता की हैं, बहुत हमारे लिए यूज़फुल है, मेडिसिनल यूज़ है, वीडियो Thank you.
फोटोग्राफ हो गया, एक लगा आप बैठे।